तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था व्हाट इज डेमोक्रेसी के पार्ट में मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स, जिसमें परवेज मुशर्रफ की कहानी थी, जिनमें हमने पढ़ा ठीक है फीचर्स में और रूलर की हमें क्यों आवश्यकता होती है और इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, पीपुल का क्या रोल होता है रूलर को इलेक्ट करने के लिए और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से चलती हैं, इन सभी चीजों के बारे में फीचर्स में हमने पढ़ा ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब जो हमारा जहां से हमें स्टार्ट करना था, ये जो स्टार्ट करने का जो सबसे मेन पर्पस है ये है 1 person 1 vote and 1 value ठीक है। ये हमारे इंडिया में 100% है ठीक है। कुछ कुछ कभी कभी इधर उधर वोट्स कभी पड़ सकते हैं, कभी मतलब कुछ हमारे करप्टेड लोग होते हैं जिनसे कि ये 1 person 1 vote and 1 value इधर उधर हो सकती है, लेकिन कुछ इन सभी चीजों से हमारा जो वोट वोट वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है अर्लियर वी रीड सर अबाउट, हाँ बताओ कौन सी बुक पढ़ा रहे हो आज? सिविक्स है बेटा, बस सिविक्स चल रहा है, ये ओके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पेज मतलब नंबर पेज नंबर सिक्स दो, पेज नंबर पेज नंबर ठीक है सिक्स सर। ठीक है। 1 person 1 vote and 1 value हेडिंग है, 1 person 1 vote and 1 value ठीक है। तो किस तरीके से डेमोक्रेसी में एक वोट का वैल्यू होता है और एक आदमी का किस प्रकार से वोट और वैल्यू क्या क्या होता है, इसमें जानने का प्रयास करते हैं। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ठीक है। हमने यह जाना कि किस तरीके से एक वोट सभी चीज को बदल कर रख देती है, इसको हमने जानने का प्रयास किया था। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब यह जो है सभी देशों में एक्सेप्ट किया जा रहा है। येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू द वोट, फिर भी कुछ कुछ जगहों पर हमें यह इक्वल राइट नहीं मिलता है ठीक है। जैसे कुछ जगहों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में समझो अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन्स डिड नॉट हैव राइट टू वोट ठीक है। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद इस्टोनिया एक जगह है, एक देश हैज मेड इट सिटीजनशिप रूलर इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट द वोट ठीक है। इस्टोनिया में कुछ सिटीजनशिप नहीं, रशियन को नहीं मिल पाती थी, जिससे वह उनके पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इसी तरीके से फिजी एक देश है, छोटा सा देश है फिजी, उसमें क्या था इलेक्टोरल सिस्टम में जो हमारे इंडिजिनस फिजीज थे यानी इंडियन फिजीज थे वो वोट का अधिकार नहीं दे पाते थे। करीब वो साल जब यहाँ से वो डिस्प्लेस हुए थे, इंडिया से डिस्प्लेस हुए थे, जाके वहां पर बसे हुए थे, तो बसने के बाद वो इंडियन फिजीज कहलाने लगे। इंडियन फिजीज कहलाने के बाद उन लोगों को वहां पर
नागरिकता नहीं दी गई और जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस अ थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या है कि जो है हमारा जो ये जो तीसरा फीचर हमारा आ रहा है सामने कि सभी के पास क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए, सबकी एक वैल्यू होनी चाहिए और सभी पर्सन का एक अपना वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिख लो, अंडरलाइन कर लो, थर्ड फीचर क्या था, सेकंड फीचर तक हमने पढ़ लिया था, थर्ड फीचर लिख लो, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन ईच अडल्ट सिटीजन must have one vote and each vote must have वन वैल्यू। ठीक है, इस्टोनिया और फिजी और सऊदी अरेबिया के देखने के बाद हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में अपना एक सिटीजनशिप होना चाहिए और उनका एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस वोट का एक अपना एक वैल्यू होना चाहिए। ये थर्ड फीचर निकल कर आया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, इतनी बातें क्लियर हुई। और वोट इलेक्टोरल वोटर से वोट इलेक्शन किस तरीके से होते हैं हम इन्हें समझेंगे चैप्टर नंबर थर्ड में। ठीक है, चलो अब देखो कुछ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसको क्या नाम दिया गया था, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम है, जो फोर्थ फीचर हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ फीचर वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर? ये फोर्थ फीचर है चलो देखो, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1918। क्या हुआ था, इन्होंने व्हाइट माइनॉरिटी से कब आजादी प्राप्त की थी, 1980 में। ठीक है, since then the country has been ruled by ZANUTF। वहां की पार्टी क्या था, ZANUTF। तब से वहां पर ये एक पार्टी रूल कर रही है। The party led from the freedom struggle, और इन्होंने struggle भी किया, ठीक है? Its leader Robert Mugabe, ठीक है? एक leader थे वहाँ के इसी party के, वो थे Robert Mugabe, बहुत famous था, वो थे ruled the country since independence, वो स्वतंत्रता से ही बहुत struggle कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाई ZANUTF। ठीक है, इलेक्शन होते रहे लेकिन वो हमेशा कौन पार्टी जीतती रही, ZANUTF पार्टी, वहां की ये पार्टी का नाम है, इसको लिख लेना ZANUTF पार्टी। ठीक है, प्रेसिडेंट वहां के जो ये मुगाबे जब प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। वो क्या करते थे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते थे। अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जिनमें वो गलत यूज करे और इलेक्शंस के बाद वो लोगों के बातों को इधर उधर करके या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस करके, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रूल रेगुलेशन अपने अनुसार चलाए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। उन्होंने कॉन्स्टेंट जो इसको अंडरलाइन कर लेना, गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक्स हिम लेस अकाउंटेबल। उन्होंने अपनी तो सब कुछ बदल दी, अपनी सारी चीजों को उन्होंने कर लिया, लेकिन सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने अपनी तरीके से बदल ली, लेकिन अपने फेवर में कर ली, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, और लेकिन वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाया। अपोजिशन पार्टी वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। उनके द्वारा अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे वो उनके द्वारा हरास्ड किए जाते थे और मीटिंग उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो लोगों के द्वारा पब्लिक प्रोटेस्ट किए जाते थे, प्रोटेस्ट मतलब जो आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन किए जाते थे, वो उनके द्वारा बहुत इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाते थे। ठीक है, देयर वॉज अ लॉ लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। या वहां पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज करने के लिए कोई लॉ नहीं था, लेकिन वो प्रेसिडेंट ने अपना सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को
कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में कर लिया था, इसलिए वहां पर इस तरीके से क्रिटिसाइज लोग उन्हें नहीं कर पाते थे। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। वहां की मीडिया और रेडियोस को गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल किया जाता था और उनको एक तरीके से रूलिंग पार्टी वर्जन में ही चलाया जाता था, ठीक है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट वेंट टू अगेंस्ट इट। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं थे, लेकिन जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो पेपर को जर्नल करते थे, तो उनके अगेंस्ट में अगर वो कुछ लिखा करते थे, उनके पार्टी के अगेंस्ट में कुछ लिखा करते थे, तो उनको भी हरास किया जाता था और इस तरीके से उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया की जाती थी। हरास मतलब होता है कि उनको ब्लेम करना। हाँ, अगर उनके जैसे वहां की पार्टी की एनएएन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 ए
रूल करते थे, रूल करने के बाद जब उन्हें इन प्रैक्टिसेस को अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत किया करते थे, समझे। तो इस तरीके से जब वो गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ, उनकी गवर्नमेंट थी तो जब उनके अगेंस्ट में मीडिया वाले कुछ लिखा करते थे तो वो उनको परेशान किया करते थे कि तुम मेरी पार्टी के खिलाफ ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से वो ये सारी इस तरीके से हरासमेंट मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अनइवन प्रैक्टिस करना उनके खिलाफ। दो जर्नलिस्ट वेन अगेंस्ट, जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ जाते थे उनके खिलाफ वह बहुत ज्यादा हरासमेंट किया करते थे। गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। अब गवर्नमेंट उन सारी चीजों को भी इग्नोर कर दिया करते थे। थोड़ा सैड होना, ठीक है। गवर्नमेंट उन सारी चीजों को भी इग्नोर कर दिया करती थी जो कि उनसे उनके जजमेंट में भी अगर कोई परेशानी, जैसे वहां के जज अगर कुछ निर्णय उस पार्टी के अगेंस्ट लिया करती थी, जो ZA-NUPF पार्टी है इसके अगेंस्ट कुछ वहां अगर जज अलग निर्णय लेते थे तो वो पार्टी यानी वो गवर्नमेंट उसे नेग्लेक्ट कर देती थी। He was forced out to office in 2017. इस तरीके से 2017 में उन्हें फोर्स किया गया था। The example of Zimbabwe shows that popular approval of ruler is necessary in democracy. ठीक है, इस तरीके से हमें जिम्बाब्वे की इस कहानी से क्या पता चलता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इलेक्शन ही नहीं होता है, डेमोक्रेसी में हमें पॉपुलर नहीं बनना होता है, ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए वर्क ऑफ वर्क भी करना पड़ता है। बट इन हिज इट इज नॉट सफिशियंट, ये जो है सफिशियंट नहीं है कि पॉपुलर अप्रूवल of the ruler is necessary in democracy, ठीक है। Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic, वो क्या भी हो सकते हैं, वो एक तरीके से निरंकुश भी हो सकते हैं। autocratic का मतलब होता है निरंकुश, मतलब election तो हो रहे हैं, इसी सारे चीजों को चुन भी लिया गया है, सारे लोगों को चुन लिया गया है, लेकिन वो हमारे प्रैक्टिसेस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो
इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक दैट लुक एट द इलेक्शंस बट इट इज इक्वल इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर आफ्टर द इलेक्शन. इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है ये भी हमारे फेवर में जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने किसी को प्रेसिडेंट चुन लिया और वह कुछ गलत काम करके अपने फेवर में सारे चीजों को ले जा रहा है. चाहे मुगाबे का उदाहरण ले ले जिम्बाब्वे का, चाहे परवेज मुशर्रफ का ले ले, चाहे और सभी देशों के जो आजकल जिस तरीके से हो रहा है उनकी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं. ठीक है. दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड बी रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन. दे शुड फ्री टू थिंक. इसको अंडरलाइन कर लेना. सिटीजनशिप के लिए क्या क्या होना चाहिए. टू बी फ्री थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर वीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएट, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर ऑफ पॉलिटिकल एक्शन. इतनी सारी बातों को हम लीगल रूप से डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में अपने आप से रख सके अपनी बातों को और आगे उनको बढ़ा सके. ठीक है. अब देखो एवरीवन शुड बी इक्वल इन आईज ऑफ लॉ. एक लाइन ये भी इंटरलाइन कर लेना. एवरीवन इक्वल इन आईज ऑफ लॉ. ये लोग लॉ के सारे चीज में सभी लोग एक बराबर होने चाहिए डेमोक्रेसी में. ये भी एक तरीके से लॉ है. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी हुज द ऑर्डर आर बियॉन्ड बाय द एवरीवन. अब इसे हम एक्सटेंड करके चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. ठीक है. सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई इफ द गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शन. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी बातें थोप नहीं सकती है. वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में किया जाने वाला काम भी कर सकती है. ठीक है. सिंपली बिकॉज ऑफ इट ही हैज वॉन द इलेक्शन. इट रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल. वो जरूरी है कि वह सारे बेसिक रूल को फॉलो करे. इन पर्टिकुलर इट हैज रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज. एवरी मेजर डिसीजन हैव टू गो थ्रू सीरीज ऑफ कंसल्टेशन एंड every officer's wear has certain rights to responsibility assigned by the constitution and the law. सभी चीजों, सभी लोगों के लिए जो rights है वो एक बराबर है और सभी के लिए law बराबर है. Each of these accounts are not only for people but also the independent official. यह जो है सभी के लिए ही है और इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी है. बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स डेमोक्रेसी. फोर्थ और फीचर्स जो डेमोक्रेसी का है वो क्या है इसको नोट डाउन कर लो. A democratic government
रूल्स विद इन लिमिट सेट बाई constitutional law and citizen rights. इस तरीके से हमारे जो फोर्थ प्राइमरी टीचर्स थे उनको हमने पढ़ लिया। फोर्थ प्राइमरी टीचर क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करती हैं उनके लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ होते हैं और सिटीजन्स राइट्स होते हैं, ठीक है। लिखिए सभी ने इतना, आर्यन, तनिष, सर लिख लिया, अभय, जगमोहन, सर एक सेकंड, जतिन, हाँ लिख लो, लिख लो सभी। सर गवर्नमेंट रूल के बाद क्या लिख रहा है? विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। सर नोट कर लिया। हो गया, चलो अब देखो कुछ हमने फोर फीचर पूरे पढ़ लिए। फोर फीचर्स पढ़ने के बाद अगर इतना समझ में नहीं आया तो अब इसकी पूरी समरी है। इतनी बात की अगर पूरी समरी एक बार में समझ जाओगे तो डेमोक्रेसी क्या होती है,
वो सब तुम्हें एक छोटे से मैटर यानी जिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखो इसको, इस लाइन को पूरी तरी अच्छी तरीके से समझना, और किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो समरी डिफिनेशन इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार, अभी तक हमने जो डिस्कशन किए, जितने भी हमने डिस्कशंस किए और जिन जिन कहानियों के बारे में जानने का प्रयास किया और कन्वर्जन जितने पढ़े हमने, उनको जो उसका समरी क्या निकला है उसको जानो। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पहला चार पॉइंट क्या हुआ, अंडरलाइन कर लेना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लिखो इसमें, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाई By the people, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है डेमोक्रेसी की। ठीक है, अब सॉरी दिस डेफिनेशन we found that this definition was not adequate unless we explain some of the key word used in it. ठीक है, इन सारी चीजों में हमने पता किया कि दो a series of example worked out of the picture of democracy as a form of government. Accordingly, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच, ठीक है, पहला क्या है इसमें चार पॉइंट लिख लेना और इसको अब लिखते जाना। जो समरी है, समरी क्या है, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन ठीक है, जितने भी मेजर डिसीजन है वो रूलर द्वारा लिए जाते हैं, और ये किससे इलेक्ट होते हैं, ये पीपल के द्वारा यानी लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा जो इसमें समरी का पॉइंट है, नोट डाउन करो, इलेक्शन ऑफर
चॉइस एंड गेट एंड फेयर अपॉर्चुनिटी fair opportunity to the people to change the current ruler. ठीक है, इलेक्शन क्या होता है? एक चॉइस होता है, लिखो, इलेक्शन ऑफर किया जाता है एज अ चॉइस टू फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर. मतलब जितने भी रूलर होते हैं वो अगर किस माध्यम से चेंज किए जा सकते हैं, इलेक्शन के माध्यम से चेंज किए जा सकते हैं. पहला हमने पढ़ा कि रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल और टेक मेजर डिसीजन. ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या था कि इलेक्शन से ये लोग चुन के आते हैं बाय द पीपल और वो करेंट रूलिंग करते हैं. तीसरा जो असेंबली का पॉइंट है वो है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी opportunity is available to the people of अपॉर्चुनिटी के बाद लिखना इज अवेलेबल to all the people on an equal basis. This choice and opportunity is available to all people on an equal basis. ठीक है, इसके बाद चौथा लास्ट जो डेमोक्रेसी का अंतिम पॉइंट है समझने का वो है the exercise
ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट limited by basic ruler basic rule of constitution and citizens right ठीक है। अगर आपने इतना भी एग्जाम में लिख दिया और आपको कुछ समझने पे भी आपने अगर ये चार पॉइंट लिख दिए तो आप डेमोक्रेसी पे एक अच्छा हॉट लिख सकते हो, अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो व्हाट इज डेमोक्रेसी था वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब चेक योर प्रोग्रेस, ये देखो चेक योर प्रोग्रेस, इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल किस तरीके से फीचर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर दैट फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय हिम एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब बताओ ऐसा सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा था, यह चीज किस रूल में पढ़ा था हमने, किस फीचर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट को वो एक तरीके से किस में ले लेते थे, बताओ किस फीचर में पढ़ा था, किसी को पता, भूटान के, भूटान देखो पहला एग्जांपल है, भूटान के जो किंग है उन्होंने सेल्फ कह दिया कि अब मैं जो कहूंगा वो मेरी गाइडेड के एडवाइस में सब कुछ गाइड जो मैं गाइड करूंगा उसी की एडवाइस पर ही सब कुछ डिसीजंस और इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव सारे होंगे। हाँ, तो इसका जो हमारा पहला फीचर होगा कौन सा होगा, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। ठीक है, इसी तरीके से मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन राइट टू वोट इन श्रीलंका। अब बताओ हमने किसमें पढ़ा था, फिजी में क्या हुआ था, फिजी में जिस तरीके से हमने पढ़ा था फिजी इस्टोनिया और सऊदी अरेबिया में, तो वो कौन सा फीचर था, वो था वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि श्रीलंका के, श्रीलंका में जो हमारे माइग्रेटेड लोग पहुंच चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो इसका सीधा सा कौन सा फीचर होगा, वन पर्सन वन वैल्यू और वन वोट। ठीक है, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग डेमोंस्ट्रेटिंग एंड रैलीज। अब बताओ ये कौन सा होगा, देखो इसमें समझो कि जो किंग है उसने बैन कर दिया कि यहां पर हम एक तरीके से लोगों का जमाव नहीं होने देंगे, यहां पर रैली नहीं होने देंगे, यहां पर लोगों को ज्यादा जो आंदोलन जो लोग करते हैं तो वो सब नहीं होने देंगे और कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने देंगे, नहीं
ये होगा रिस्पेक्ट फॉर राइट, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगला जो एग्जांपल है ये है द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिहार की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर नहीं माना जा रहा है। इसका कौन सा होगा? रूल ऑफ लॉ, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इन द बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इसका होगा बांग्लादेश ने एग्री कर लिया है कि अब आने वाली गवर्नमेंट जो होगी वो टाइम ऑफ इलेक्शन पे पूरी तरीके से देश में रहेगी। तो इसका कौन सा होगा? इसका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर? कुछ समझ में आया इतना? व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है? यहां तक व्हाट इज डेमोक्रेसी में अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत तो एक बार पूछ लो। इतने सारे टीचर्स हमने पढ़े, डेमोक्रेसी क्या होती है वो पढ़ा, अब बताओ किसी को परेशानी तो बताओ उसको दूर करने का प्रयास। चलो अब देखो आता है व्हाइट व्हाई डेमोक्रेसी। देखो व्हाई डेमोक्रेसी में जो हम समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोकन आउट इन मैडम लिंडन क्लास She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was best form of government. Everyone had something to say. Okay? इस डिबेट को आप घर पे पढ़ना, जहां समझ में नहीं आएगा वहां को समझने की कोशिश करना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है इसलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10 से, जो कि आर्गुमेंट का एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, ठीक है। मैडम लिंडन वॉज लिसनिंग टू डिस्कशन विद इंटरेस्ट। नाउ शी स्टेप इन। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो फैसिनेटली। I don't know who is right, who is wrong. That is for you to settle, but I did not feel that
you all want to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you, and if someone punished you for saying what you felt, what would you be able to do? That country that is good, if not democratic, is that good argument for democratic? इस पूरी बात में ये कहा गया है कि आर्गुमेंट हम क्या पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, निगेटिवली भी ले सकते हैं डेमोक्रेसी के केस में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या सही है क्या गलत है और इनके पॉजिटिव रोल क्या है और कुछ निगेटिव रोल्स क्या है, अगेंस्ट और फॉर में क्या क्या बातें हैं, उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलो, दिस कन्वर्जन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट हैज रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट गेट ओवर द सम दीज आर्गुमेंट्स। चलो, ये देखो आर्गुमेंट जो है वो अगेंस्ट में किस तरीके से जा रहा है, इस बात को समझने का पूरा प्रयास करो। देखो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में किस तरीके से हमारी बात जा रही है, इसमें इसको जानने का प्रयास करो। लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, क्या है, लीडर जो है वो डेमोक्रेसी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। लीडर चेंज हो जाने के कारण बार बार क्या हो रहा है, दिस लीड्स इन इंस्टेबिलिटी, मतलब हर 5 साल में तो गवर्नमेंट बदल जा रही है, हाँ, हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाएगी, तो पता लगा प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए रहा, फिर उसके बाद अगले 5 साल में दूसरे रहे, ऐसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो डिस्कशन पूरा लेते हैं, वो पूरे रूल्स, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और उसके बारे में निर्णय लेते हैं। इसी तरीके से उससे पहले मनमोहन सिंह लिया करते थे, फिर उससे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी लिया करते थे। इस तरीके से क्या होता है, 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है, 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाने के कारण क्या होता है कि जो है डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, जो कि कोई भी एक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। इसलिए यह पहला पॉइंट क्या है, यह इनस्टेबल है, ठीक है। अगेंस्ट में लिखो, अगेंस्ट में जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो पहला क्या है, इनस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्थायी रूप से रह नहीं पाती है, ठीक है, उनका जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। ये जो है ये एक तरीके से बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और कंपटीशन लोगों में क्या कंपटीशन प्रतियोगिता की भावना आती है, ठीक है, वो लोग आपस में, और देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। क्या है अगला पॉइंट? नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। इसका मतलब क्या हुआ? नो स्कोप फॉर मोरालिटी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम कर रही है कि इस जगहों पर इस तुम वो इस क्षेत्र में अच्छे नहीं है, उनके बारे में उल्टा सीधा गलत बातें बोलती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि किसी में जैसे कोई अच्छी भावना रह ही नहीं गई हो, ठीक है। तो नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब देखो अगला क्या कह रहा है, सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब इसका क्या है तीसरा पॉइंट, लीड्स टू डिले। लीड्स टू डिले, ठीक है। ये जो तीसरा जो पॉइंट आ रहा है लीड्स टू डिले, यह जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ये जो अगेंस्ट में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे जो ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो कोई भी निर्णय लिया जाता है ना, वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है, और उसके लिए बहुत से पार्लियामेंट में बैठकें होती हैं, बिल पास होते हैं, एक्ट पास होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, ये बहुत ज्यादा समय लेता है, ठीक है। इसलिए यह अगेंस्ट में दूसरा जो निर्णय है क्या है, यह अगेंस्ट में कौन सी बात जाती है कि लीड्स टू डिले, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। इसी तरीके से इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्टेड ऑफ द पीपल बैड इट लीड्स टू बैड डिसीजन, ठीक है। क्या है कि चौथा पॉइंट, लीड्स टू बैड डिसीजन। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो कभी कभी वो खुद नहीं जान पाते कि कौन सा जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, और लोगों का कुछ उधर इंटरेस्ट भी नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब अगला देखो, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन फॉर बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगला जो इसमें है पांचवा पॉइंट वो है करप्शन करप्शन एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है,
इतनी बातें अगर आप अगेंस्ट में लिख दोगे और इनको डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका पॉइंट अगेंस्ट में बन जाएगा, क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ज्यादा बहुत नंबर वाला नहीं। हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है, ज्यादा मस्ती आ रही है। चलो ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट अगर आप अगेंस्ट में लिख देते हैं तो आपका फॉर्म काम बन जाएगा और आप डेमोक्रेसी का अगेंस्ट फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे पॉइंट की अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा देखो हंसी वाली बात देखो, डेमोक्रेसी की सबसे हंसी वाली पॉइंट कौन सी है कि ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट देम गुड फॉर देम। अब बहुत से जो ऑर्डिनरी पीपुल होते हैं वो लोग खुद ही नहीं जानते डेमोक्रेसी में कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनको सरकार से मतलब ही नहीं है, तो ये भी एक अगेंस्ट में पॉइंट जाता है। क्या जाता है कि लोग बस सरकार बन गई काम कर रही है बस यहां तक ही सीमित रहते हैं और वो लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये भी एक अगेंस्ट का पॉइंट है जो कि डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत करती है। ठीक है, अब देखो लिखा है आर देयर सम अदर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ विच इज दीज आर्गुमेंट अप्लाइड मेनली फॉर डेमोक्रेसी। विच इज कैन अप्लाई टू मिसयूज of any form of government which they do can agree with clearly agree with। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने सारे पॉइंट्स को हमने यहां अगेंस्ट में देखा वो क्या वो सिर्फ अगेंस्ट में हो, वो पॉइंट्स को अगर हम उलट रहे तो वह फॉर के कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, इसमें समझने की कोशिश करो। Clearly, democracy is not a magical solution of all the problem. Democracy magical solution नहीं है
ऑल डेमोक्रेटिक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इट हैज नॉट इंडेड पॉवर्टी फॉर इन आवर कंट्री एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसने गरीबी को अभी तक हमारे भारत से हटाया नहीं है और अदर पार्ट से भी, वर्ल्ड से भी नहीं हटाया है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपुल टेक केयर देयर ओन डिसीजन। ठीक है, क्या होता है, पीपुल टेक केयर, पीपल टेक केयर ऑफ देयर ओन डिसीजन। क्या जापान में नहीं, चाइना में है, माइन नहीं, चाइना में हुआ है और वहां नहीं हुआ, कॉन्टिनेंट नहीं है। कॉन्टिनेंट नहीं है, कंट्री है, कंट्री है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। क्या होता है कि ऐसा, ये डेमोक्रेसी में जो पीपुल हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये हो सकता है कि ये डिसीजन भी गुड ना हो। पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स, इनमें जो है पीपुल भी गलतियां कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपुल इन दीज डिसीजन डज लेड डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, sometimes this can be set back big decisions and affect the government efficiency. अब देखो, सबसे जो अभी तक हमने पढ़ा, जो पॉइंट्स हमने शॉर्ट आउट किए थे, वो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी था। अब आर्गुमेंट्स और डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से आर्गुमेंट सही है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, चाइना में फेमाइन आया, भुखमरी आया, कब आया, 1958 से लेके 1961 तक। ठीक है, 1958 से लेके 1961 तक वहां पर फेमाइन यानी भुखमरी आई। दिस वर्स्ट रिकॉर्ड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यह जो है बहुत बेकार कंडीशन बनाया चाइना के लिए। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन। 3 करोड़ लोग भुखमरी से मर गए। कारण क्या था, इंडियाज ड्यूरिंग दोस डेज इंडियाज इकोनॉमी कंडीशन इज नॉट बेटर देन चाइना। जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बेटर नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां लोग मरे। किससे मरे, भुखमरी से। येट इंडिया डिड नॉट हैव फेमाइन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। लेकिन अभी भी भारत में भुखमरी नहीं आई है, लेकिन चाइना में इन सब में एक बार आ चुकी है भुखमरी। इकोनॉमिक्स थिंग कब कब बताऊंगा मैं। क्लास के बाद सब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमिस्ट थिंक, इन्होंने सोचा दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू
कंट्रीज। अब इन दोनों के बारे में उन्होंने एक तरीके से क्या किया, अपने आप से जानने की, और इकोनॉमिस्ट ने, जब इकोनॉमिस्ट लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने वहां के बारे में जब सजेस्ट किया और पता किया, तो वो पाए कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू फूड स्कैर्सिटी इन द वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी होने के कारण वहां पर फूड स्कार्सिटी यानी कि फूड के कमी पर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी था, इंडिया में डेमोक्रेसी था, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण, चाइना में सिर्फ एक नेशनल कांग्रेस होने के कारण वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे, इसलिए वहां पर फूड स्कार्सिटी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से सन 1958 से 61 तक 3 साल तक वहां भुखमरी आई, ठीक है, कारण यही था, इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा। द पॉइंट आउट दैट नो लार्जर स्केल फेमाइन has ever taken place in the independent and democratic country. और अभी तक पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि इंडिपेंडेंट भारत में और डेमोक्रेटिक भारत में अभी तक इस तरीके की कोई बड़ी भुखमरी नहीं आई है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी पर डिपेंड करता है और चाइना जो है एक सिंगल पार्टी अभी भी वहां पर रूल करती है, ठीक है। बताया था ना मैंने व्हाट इज डेमोक्रेसी में चाइना के पार्ट में। चलो, इफ चाइना टू हार्ड मल्टी पार्टी इक्वेशन इलेक्शन एंड ऑपोजिशन पार्टी हैज एंड प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। कारण देखो लिखा है, स्पष्ट करते हुए लिखा है, वो क्या है कि अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, यानी वहां पर सिर्फ एक पार्टी है, अगर वहां मल्टी पार्टी इलेक्शन होता और अपोजिशन पार्टी वहां पर उसको अपोजिट बातें रखती और प्रेस को फ्री कर दिया जाता, प्रेस मतलब मीडिया को, यदि वहां पर बोलने का रखने का बात रखने का होता, तो इस तरीके की भुखमरी से इतने लोग चाइना में नहीं मरते, ठीक है। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द बेटर देन any other form of government in responding to need of the people. ये democracy क्या करता है, वो लोगों की need of the people को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए काम करता है। A non-democratic government may or can respond to the people's need. ठीक है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी होती है वो कभी कर भी सकती है और कभी उनके फेवर में काम कर भी सकती है और उनके फेवर में वर्क भी नहीं कर सकती है। इस तरीके से जो इसका एक सॉल्यूशन निकल के आता है वो क्या है, उसको नोट डाउन कर लो। फॉर में जो पहला पॉइंट निकल के आता है, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसमें पहला पॉइंट है, फॉर में लिख लो अकाउंटेबल। वर्ड क्या है, अकाउंटेबल, इसमें लिखो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट because it is more accountable form of government ठीक है इस तरीके से हमारा जो कंक्लूजन निकला पहला जो फॉर के केस में था वह क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हर एक चीज के प्रति जवाबदेह होगी ठीक है जहां जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टियां होती हैं वह लोगों के डिसीजन के प्रति जवाबदेही रखती है वो क्या करती हैं कौन से रूल के फेवर में काम करती हैं और किस तरीके से पॉलिसी बनाती हैं वो पीपल को किस तरीके से उपयोग करता है और उनके लिए कुछ काम करता है और वो किस तरीके से लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं ये उनके प्रति अकाउंटेबल होता है तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं डेमोक्रेसी में आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यस सर इतना यहाँ तो सभी को समझ में आ गया सुनो yes, आज मैं आज सभी क्लास में आज होमवर्क कॉपी में आपको काम करने हैं और आज मैं सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन भेज दूंगा मेरे पास स्टडी मटेरियल आ गया है मैं सब भेज दूंगा सारे ग्रुप में भेज दूंगा ठीक है असाइनमेंट yes, देखो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो हो भी गए हमारे यस सर फर्स्ट चैप्टर कर लिया सर सेकंड से भेज देना हाँ सुनो मेरी बात सुनो मैं फर्स्ट से ही भेजूंगा लेकिन जिसके हो जाए हो गए हैं वो छोड़ देना दूसरे से स्टार्ट करना ठीक है यस सर ठीक है हाँ यस सर कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है नहीं सर चलो ऐसे ही पढ़ते ओके बेटा सर सर एक क्वेश्चन पूछना है बताओ बताओ हिस्ट्री की चॉइस बना लिया तो सर हम एक मोटी वाली तीनों की बना ले सर ज्योग्राफी और उनकी हाँ बना लो यस सर वो ठीक है बन गई थी यस सर ठीक है थैंक यू सर बाय सर ओके बेटा बाय